Hello and welcome to Awaaz The Voice Interviews. Today we are joined by Sonam Lotus, the outgoing director of Meteorological Center Srinagar. He is now going to head the Meteorological Center in Leh. Sonam ji, bahut bahut shukriya. And what is going to be your takeaway from Kashmir? Thank you very much for sparing your precious time and coming here for taking my interview. I'm grateful to you and your team. Yes, my takeaway from serving after serving our one and a half decade in Jammu Kashmir has been eventful, adventurous, and had a great learning experience. I got a lot of love and respect from the people and the government of Jammu Kashmir, the government of Jammu Kashmir, and the government of India. I would like to thank them. I would like to reciprocate the same to everyone. कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला इन 15 सालों में जी, और आपकी जो वेदर फोरकास्टिंग थी जी, somehow with some advancements it was so accurate and you got so much love from Kashmir जी, and इस वक्त क्योंकि ऐसा एक ऐसा स्टेज आया है जब आपको अलविदा कहना पड़ रहा है जी जी, तो कश्मीर जैसी जगह को आप कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? कश्मीर तो आपको डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मुझे मैं क्या करूँगा, जब बड़े बड़े लोग ऐसे बोलते हैं कश्मीर तो जन्नत ही, मतलब कश्मीर इज ए पैराडाइज ऑन अर्थ बोलते हैं. मैं नहीं बोलता हूँ, पहले साल से बोलते हैं, मतलब काफ़ी सदियों से बोलते आ रहे हैं. मैं भी तो यही बोलता हूँ, मुझे तो पता नहीं चला ऐसे वेदर फोरकास्टर कि मेरा 15 साल जो है मौसम में, मतलब यह कि हवा को बदल को देखते देखते मेरा 15 साल ऐसे बीत गया. और इसके साथ साथ टू बी आइसिंग ऑन द केक, लोगों का इतना प्यार मोहब्बत मुझे और रिस्पेक्ट मिला है तो मैंने भी दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे भी ज़्यादा. क्योंकि देखो, हमें वेदर फोरकास्ट तो हमारा मेन टास्क है, हमें प्रोफेशन, तो हमारे जो काम की वजह से लोगों की मतलब ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है. टुडे मुझे ये जाना, मतलब एज आई एम लिविंग, तो मैं जा रहा हूँ कि एज फुलफिलिंग एज वेदर फोरकास्टर कि मी एंड माई टीम, ये मेरे वजह से नहीं, मेरे टीम के, हम वी कुड एबल टू मेक पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वेदर कॉन्शियस. टुडे आज के दिन में पूरा जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो वेदर कॉन्शियस, मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में वेदर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब क्रिटिकल फैक्टर मान के चलते. जब भी कोई फंक्शन करना हो, कहीं भी जाना हो, या कुछ एग्जाम देना हो, इवन इंक्लूडिंग द जैसे कोई फंक्शन करना हो, तो पहले तो वेदर चेक करते हैं. ज़रूर नहीं कि वो हमें पूछे, लेकिन वेदर ज़रूर माइंड में रहता है. तो दो ज़्यादा काइंड ऑफ इम्पैक्ट, इतना इम्पैक्ट आपके जीवन में, लोगों के जीवन में आप लाएगा तो बहुत मुझे अच्छा लगता है. इट्स ए वेरी फुलफिलिंग जॉब. एक कहावत ऐसी है कि कश्मीर में मौसम और हवा बदल के ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो चूँकि आप हवा को देखते हैं जी, मौसम को स्टडी करते हैं, तो ये सालों में आपने यहाँ के लोगों से बहुत क्लोजली काम किया जी, तो आखिर पे आपकी क्या मैसेज है उनके लिए? मेरा तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मतलब फुल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, बहुत हॉस्पिटलिटी तो आपको मशहूर है ही है, तो इससे अच्छा क्या कहेंगे. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं तो ये कहूँगा कि इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस. यहाँ पे जैसे जगह अच्छा है, आदमी भी, लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैं तो कहूँगा कि जो भी हमारे नज़र देखने वाले हैं, कि अगर आपके दिल में प्यार मोहब्बत हो, अगर ऐसे जब मतलब इस माहौल में जब रहते हैं तो आपको खुद ऐसे अच्छा लगने लगता है. तो मेरा भी आपको पता ही है, तो आई गॉट ए हार्ट विच इज़ फुल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर पीपल, तो आपको ऐसे रिस्पॉन्स मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही अच्छा फुलफिलिंग, एंड आई हैड वेरी फुलफिलिंग करियर. बहुत बहुत शुक्रिया जूले. थैंक यू सर.